तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो पे। तो यार मैं पिछले कल शाम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को पूरी बात बताऊंगा यार, पर उससे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं, आप लोग जो भी मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है, कि वो लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है मुझे, क्योंकि यार मैं आप लोग को आज पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि भाई मैं YouTube में क्यों आया हूँ, ठीक है, और मेरे साथ क्या हो चुका है जो मैं मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज जो भी बात होगी वो मेरे यहाँ दिल से निकलेगी, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को जिस भी डायरेक्शन में लेना चाह सकते ले सकते हैं, ठीक है। पर कोई लोग होंगे जो समझेंगे इस बात को, कई लोग होंगे जो नहीं समझेंगे और वो लोग सोचेंगे कि ये बंदा सिंपथी गेन कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो बना रहा है। तो यार अब मैं आप लोग को बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अगर आप लोग लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए इतना बहुत ज़्यादा मेहनत करते, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग को एम टाइम पे जब आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, ठीक है, और आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे और आप लोगों को कैसा फील होगा यार, ये बात आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ठीक है। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया, मैं अपनी वीडियो किस तरीके से अपलोड करता था, ठीक है, और कब कब मैं अपलोड कर रहा था यार मेरी आज तक ना, ठीक है, एक दो महीने से मैं लगातार इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा था ना, ठीक है। और पिछले कल शाम को मैं अपना YouTube स्टूडियो जब मैं चेक करने के लिए गया वहाँ पे, तो अपनी एक वीडियो में अपलोड करने के लिए जा रहा था, वो वीडियो ढंग से अपलोड नहीं हो रही थी मेरी, तो उस वीडियो को कैंसिल करने के चक्कर में पता नहीं क्या हो गया या फिर कुछ मुझे समझ ही नहीं आया, वो सारी वीडियो जितने भी थी वो सब के सब डिलीट हो गई यार, ठीक है। दिल में इतना ज़्यादा दुख हुआ और दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम भी मेरे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं पिछले कल शाम से ही इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि अब जो भी सारी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी है, ठीक है, अब उस चीज़ को कैसे वापस लाया जाए। अभी अब मेरे पास इस टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस को वापस ला सकूं। मैंने यूट्यूब के टीम से भी बात की यार, अब यूट्यूब टीम से बात करने के लिए भी अब आप लोग को उस क्रिएटर को पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब में। आप लोग समझ, अगर आप लोग भी यूट्यूब में काम करते होंगे तो आप लोग को हर चीज़ पता होगी कि भाई आप लोग को अगर यूट्यूब से कोई ईमेल करना हो तो आप लोगों के जो है 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, तभी आप लोग जो है अपना जो है बात को आगे रख सकते हैं उनके टीम से, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ यार, मैंने काफ़ी कुछ मैं बहुत ज़्यादा यार मेरे दिमाग में इस टाइम पर इतना परेशानी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ यार। वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ यार, ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि इस टाइम पर जो है मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊँ, कई लोग सोचेंगे कि यार ये सिंपथी गेन कर रहा है, मैं सिंपथी गेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, अगर शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो जाके आप लोग मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे इस टाइम पे कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही है, ठीक है। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, साथ में आप लोग में स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, मैंने लिया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी वीडियोस डिलीट हो चुकी है। मैंने कोई हाइड नहीं किया, मैंने कोई प्राइवेट नहीं किया, ठीक है, मेरी वीडियोस सच में डिलीट हो चुकी है और 6-7 वीडियो ही मेरे चैनल में सिर्फ बची हुई है। अब बताइए अब मैं आगे क्या करूं। YouTube को मैंने मेल किया, उन लोगों का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब बताइए अब मैं क्या करूं, मेरे पास इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है। वो ये सच बात है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर मैं शुरुआत ही कर रहा हूं अपने इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने अभी सिर्फ मेरे को 1-2 महीना हुआ था, ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे आप लोग और हमारी जो फैमिली है वो इतनी जल्दी आगे जा रही है, और लास्ट में ऐसा होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो यार आप लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ जो भी मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, जो भी मुझे शुरू से देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ छोड़कर कभी भी ना जाए, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों से, देखिए मैं अभी भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और मैं ऐसे बर्फ़ के मौसम में भी मैं आप लोगों के पास आया और अपने दिल की बात रखी। आगे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूट की हुई है, ये वीडियो आप लोग के लिए मैं पहले ला रहा हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा सीन हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। अब परेशान होने के अलावा इस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया दोस्तों यार, अब आप लोग भी इतना ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ठीक है, अगर आप लोग भी यूट्यूब में वर्क करते होंगे तो आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ में। तो यार इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है और ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, बस मैं आप लोग को इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप लोग प्लीज़, ऐसा है कि
मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसा है कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाऊं। क्योंकि यार बड़े बड़े क्रिएटरों को तो आप लोग देखते ही है, ठीक है, जैसे हमारे अरुण पवार हो गए, ठीक है, हर गैराज हो गया, मैन एंड मोटर हो गया, DDS हो गए, ASY कार ड्राइव हो गए, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इस टाइम पे, ठीक है, जिन लोगों को आप लोग फॉलो करते होंगे, और हम उनके सामने इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मैं भी आगे मेहनत करूँगा। अगर आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप लोग के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। मेरे पास गाड़ी है और मैं इस गाड़ी की अच्छाई से लेकर बुराई तक हर चीज़ आप लोग उसके साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास गाड़ी है तो भाई मैं अपनी गाड़ी की तारीफ ही करूँगा, मैं हर चीज़ में अपनी गाड़ी की आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है, जो भी इसके साथ मुझे प्रॉब्लम फेस आई है, जो भी है, मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगा। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है कि अपने YouTube से अगर कोई वीडियो हमारे से गलती से डिलीट हो जाती है तो हम उस चीज़ को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। यार मैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब देखिए, अब मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मेरा जो एक सपना था, ठीक है, मेरा एक सपना है, मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो है अरुण पवार से मिलना चाहता हूँ, बस मेरा एक ये गोल है कि मैं अरुण पवार से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। बस मैं इसी वजह से मैंने ये इस YouTube जर्नी को अपना स्टार्ट किया, यही सोच के कि अगर बाय चांस कभी कल को हम भी ग्रो हो जाते हैं तो किसी ना किसी वजह से हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो यार वो लोग तो इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उन लोगों की वीडियो डिलीट हो जाएगी तो वो लोग आसानी से ही रिकवर कर सकते हैं, पर हम छोटे जैसे यूट्यूबरों को यार अब ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है। अब चलिए, इस टाइम तो चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो अभी मैं जो है दोबारा से भी शुरुआत कर सकता हूँ, पर मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि यार प्लीज़ आप लोग जो है फुल सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो है डीमोटिवेट ना हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा सपना है वो टूट जाए, ठीक है। आप लोग भी अरुण पवार को जानते हो, उन्हें कितना डाउन टू अर्थ है वो, ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि उन्हीं को देख के मैंने भी सोचा था कि अगर वो इस तरीके से काम कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर करना बनता भी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन करेंगे, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता है, आप लोग को पता है लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है, आप लोग को पता ही होगा, उतार चढ़ाव तो आता ही है, ठीक है, पर डीमोटिवेट कभी भी ना हो। मैं भी डीमोटिवेट हो रहा था, पर अब क्या कर सकते, अब जो स्टेप लिया है उस स्टेप से हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा मैं इस टाइम पे परेशान हूँ यार, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोग को यार, ठीक है। आगे भी इस तरीके का सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है, मेरे साथ यार प्लीज़ ऐसे ही बने रहना, हम लोग काफ़ी मज़ेदार वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे ही साथ और ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग अपने सपने को पूरा कर रहे होंगे। तो यार बस ऐसा नहीं है कि देखो यार, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेले फालतू का वीडियो बना रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम पास वाली बात नहीं है। यूट्यूब में आप लोग को कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लोग मुझे ही देखे, बस मुझे ये काम करना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये काम को कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। बस मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार कि साथ बनाए रखना। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी जो डिलीटेड वीडियो है अगर बाय चांस रिकवर नहीं होती है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई एक एक करके मैं उनको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँ, ठीक है, क्योंकि यार उन वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, अब मुझे इतना ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ यार आप लोग को मैं क्या बताऊँ, ठीक है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग मुझे कुछ ऐसा बोले कि भाई तू जानबूझ के वीडियो बना रहा है, तू फालतू की वीडियो बनाता है। यार जब आप YouTube में सक्सेस की तरफ जाते हैं ना तो नेगेटिव्स भी आप लोग के लिए, हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आप लोग के लिए आते हैं, ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे, पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे थे। अच्छा लगता है जब आपको कोई कमेंट करता है, ठीक है। अब इसी वजह को, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने बस यही सोचा कि अब मुझे इस काम को आगे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं हाथ में हाथ डाल के तो बैठ नहीं सकता, ठीक है। और बस मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं यही चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं भी करना चाहते तो ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, आप लोग की मर्जी है, आप लोग ही है जो भी कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो एक छोटे से आदमी को काफ़ी एक अच्छे लेवल तक भी ले जा सकते हैं, आप लोग चाहे तो एक बड़े से बड़े लेवल के बंदे को भी गिरा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में पावर है। हम लोगों का कुछ नहीं है, हम लोगों ने बस ये वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है, बाकी पसंद करना ना करना वो आप लोग की मर्जी है। इस टाइम पे माइनस में टेम्परेचर है और बाहर इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। बाकी
मेरी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस है जो मैंने बर्फ में शूट की हुई है। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो आज एक भी वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है यार, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए मुझे। बाकी अब बुरा लग के मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ में हाथ मैंने डाल के बैठ नहीं सकता, तो अब मुझे लगता है कि आगे मुझे काम करना चाहिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। और आप लोग जाइए, और मैंने आप लोग को बताया था कि भाई एक टास्क है आप लोगों के लिए, उस टास्क के लिए वो अगली वीडियो मेरे पास है, उस वीडियो को ज़रूर देखना है वो क्या टास्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, और मेरे लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं आए तो बाकी आप लोग की मर्जी है। और शेयर ज़रूर करें यार अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है। हम पहाड़ी बंदे हैं, आपको पता ही है यार, अब इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है भाई यार, आप लोग समझदार है, प्लीज़ समझ जाना। और मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मुझे, ठीक है। जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे, इतना ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को भूल जाता हूँ मैं कि मेरी वीडियोज़ डिलीट हो गई है। हम दोबारा से काम करेंगे, ठीक है, हम दोबारा से मिलके काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग वही प्यार दोबारा से मुझे देना, ठीक है, जो आप आज तक देते आए हैं, ठीक है। और फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हम जल्द से जल्द जो है अपनी अचीवमेंट को अपने मुट्ठी में कर सके, ठीक है। जो हमने सोचा हुआ है कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने चाहिए। तो बस यही आप लोग के साथ बात शेयर करना चाहता था यार। मैं समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जो भी बातें निकली है वो दिल से निकली है। मैं ऐसा नहीं है कि सिंपथी गेन कर रहा था आप लोगों के साथ यार, सिंपथी गेन करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं सिंपथी गेन करूँ। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहे तो किसी भी वे में आप लोग मेरी बातों को ले सकते हैं। पर यार चलो, देखी जाएगी जो भी होगी आगे। अब मैं अपने जो ये इस जर्नी को मैंने शुरू किया है, उस जर्नी को मैं नहीं रोक सकता। अब आगे भी ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, तो बने रहना आप लोग हमारे साथ, ठीक है। और आप लोगों का जो टास्क के बारे में मैंने बताया, उस चीज़ के लिए आप लोग अगली वीडियो का वेट करना, अगली वीडियो आने वाली आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना यार आप लोग से, मैं प्लीज़ बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है, आप लोगों के साथ इस तरीके से बातें करना। और तो यही था बस यार, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप लोग फिर सोचेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा बकवास करता है यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब दिल में कोई चीज़ चुभ जाती है ना, जब इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है, जब आप कुछ चीज़ को सक्सेस की तरफ जा रहे हो और आप लोगों के साथ इस तरीके का सीन क्रिएट हो जाए, तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है वो, आप लोग को भी पता है, ठीक है। तो यही सब मुझे आप लोगों के साथ बात शेयर करना था यार, कि मेरी वीडियोस डिलीट हो चुकी है गलती से, ठीक है। अब हो सकता है वो रिपेयर होगा तो रिकवर होगा, तो रिकवर के लिए भी मैं बोल दूंगा किसी से पूछताछ करके। तो बाकी आप लोग वीडियो में बने रहना यार, ठीक है, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। इस तरीके की वीडियो में तो नहीं मिलूंगा, ठीक है। अब अपने गाड़ी से रिलेटेड ही हम आप लोगों से वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहना और बेल आइकन को भी दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। पैर मेरे काफ़ी ज़्यादा सुन हो चुके हैं, हाथ भी मुझे काफ़ी ठंडे लग रहे हैं। आप लोगों को मेरा शक्ल देख के भी पता लग रहा होगा कि भाई किस तरीके का शक्ल है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा ऐसे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, ठीक है, खुश रहे और